बासड़ी धर्मेंद्र सापुरा चोमू विराट नगर जमुरामगढ़ और पूरे जयपुर और राजस्थान से कोने कोने से आए मेरे छोटे भाइयों, पूजाएं फड़क रही है लेकिन हमें जोश के साथ साथ जन्म भी रखना, ये अपना घर का कार्यक्रम है। और मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ जो मेरे पीछे आपने देखा होगा सुबह 5-5-6 मिनट तक घूमता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा। और कोई इलाके में कुंवरे बुलाएंगे तो उनके भी आ जाऊंगा, करवाएंगे। अब आप सबसे मेरा निवेदन है, ज्यादा राजनीतिक बात तो मैं कहूंगा, शादी समारोह है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल ने 20-25 साल का जो संघर्ष किसान कौम के लिए किया, जब देश का किसान तकलीफ पे था, तो इस देश के जितने भी मेरे समाज के एमपी है, जो 20 से ज्यादा संख्या में, मोदी की सत्ता कोई नहीं छोड़ पाया। मोदी की सत्ता छोड़ के NH-8 को जाम करके अगर सड़क पे कोई व्यक्ति आया, वो नागौर का शासक था जो किसानों को मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। और भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया, अरे छोड़ो, तो सेना को ठेके पे देने का विरोध अगर देश में किसी शासक ने किया, वो नागौर के शासक ने किया। हम किसान के बेटे हैं, प्रधानमंत्री जी अगर आप किसान आंदोलन में हुई हार का बदला किसान के बेटों से लेना चाहोगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आगामी दिनों के अंदर एक बार दिल्ली कूच और होगा और उसमें शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ये आप विश्वास बोलते जी महाराज की। अब की बात शाहपुरा से ज्यादा होना लोगों को पाओगे नहीं होगे, सब तो मोदी जी दे रहे हैं ना, तो फिर वही वहाँ जो वापस जाना पड़ेगा। मैं तो लड़ते लड़ते आपको पता कितना समय निकल गया और ये लड़ाई अंतिम दौर पे ले आया। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ जो लोग ठेके लेते थे, किसी का पिताजी मंत्री होता था, उसका बेटा होता था भांजा भतीजा, ये परिवारवाद राजस्थान में खत्म करके अगर सेकेंड पीढ़ी किसान के बेटों को तैयार किया, जाट यादव गुजर मीणा सिरकार हमारे दूसरे भाइयों को, अगर उनको राजनीति के अंदर कोई स्थान दिया और 5-5 लाख की सभाओं के अंदर अगर आधा आधा घंटे किसान के बेटों को भाषण करवाया, उनकी बात अगर आम जन तक पहुंचवाई, वो नागौर का शासक था जिसने आपके जोश से एक पार्टी का निर्माण करके देश में संदेश दिया, हम राजस्थान के लोग कांग्रेस और भाजपा के पिछले को नहीं है, हमारी ताकत हम खुद खड़ी करेंगे। हरियाणा यूपी और बिहार के झंडे आप अपने पास रखो, हम राजस्थान का खुद का ही झंडा तैयार करेंगे। और आपको झंडा भी दिया, आपको आपस में बैठकर सिखाया, कहा तो धौलपुर है, कहा बाड़मेर है, कहा गंगानगर है, कहा डूंगरपुर है, सबको एक साथ एक छतरी के नीचे तेजा जी के जयकारे के साथ तमाम किसान कौमों को संकेत करके संदेश दिया कि हम रक्षक है, हम हमारे सिरकाश के भाइयों का भी ध्यान रखेंगे, दूसरे पीड़ित लोगों का ध्यान रखेंगे, जो आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे साथ थे उन तमाम जातियों को साथ लेके इस राजस्थान के अंदर भी जिस तरह बिहार उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बनी, राजस्थान के अंदर भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हम बना के जवानों और किसानों का राज लाएंगे। भाई और बहुत बड़ी पीड़ा होती है जब किसान जब उसकी फसल खराब हो जाती है और किसान मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरे खाता है, बीमा कंपनियां प्रीमियम ले लेती है लेकिन हमें पैसा नहीं देती और हमें दर दर की ठोकरे खानी पड़ती है। जो किसान के नाम से चुनाव जीत के जाते हैं, जो हमारे समाज के नाम से चुनाव जीत के जाते हैं, वो लोग विधानसभा और लोकसभा के अंदर उनके मुंह पे पट्टी बन जाती है। अब तो कुछ लोगों के मुंह में से आवाज आने लगी धीरे धीरे, तो मेरे संघर्ष का ही परिणाम था कि जो लोग अपने आप को किसान कहते थे वो अपने आप को जाट कहने लग गए। पहले कहते थे आप भी जाति क्या, हाँ तो किसान है भाई, ये भी मैंने सिखाया भाई। और मैंने ये नहीं कहा कि दूसरों का हक और अधिकार छीनो, मैंने कहा हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे और हमारे दूसरे भाइयों को साथ लेके सत्ता पर कब्जा करेंगे। मांगने से कोई राज नहीं देता, इतिहास उठा के देखिए, सत्ता
तलवार और ताकत से मिली है। हमें राज छीनना होगा और राज छीनने के लिए लोकतंत्र में वोट की आवश्यकता होती है। और जब जवान जिधर चलेगा उधर जमाना चलेगा। राजस्थान के जवानों ने कांग्रेस और भाजपा को घर बिठा के नई व्यवस्था परिवर्तन की राह पकड़ ली है। ये शाहपुरा की धरती से बड़ा आगाज पूरे देश के अंदर जाएगा कि ये जोश और जुनून ये कोई अपने आप मतलब इस तरह कोई रैली के अंदर आए लोग नहीं है। ये प्यार से 5-7 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सलमान बेनीवाल आएगा और राजस्थान को नया रास्ता दिखाएगा। सब भाइयों को साथ लेके भयमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करेगा। ऐसा राजस्थान होगा जहाँ महिलाओं का मान सम्मान होगा, इस अबला नारी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, जवान को बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसान के बेटे सुरक्षित होंगे और किसानों को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा राजस्थान आपको दूंगा। लेकिन हमें जोश के अंदर होश रखना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। किसान के बेटे कोई भी बरकरार रहता है, थोड़ा सा चक ले 2 मिनट कुछ नहीं लगेगा, 2 दिन लगेगा, थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा इधर चल ले, कहीं भी चले जाते हैं, किसी के साथ हो लेते हैं, मुकदमों में फंस जाते हैं, अपराध की दुनिया के अंदर चले जाते हैं और अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रहे। ये सिकावटी के इलाकों के अंदर आपने देखा होगा किस तरह लोग मजे ले रहे थे और हमारे लोगों का खून हमारे लोग बाहर। कौन था उस समय, कौन आपकी पीड़ा सुन रहा था? मैंने पूरे राजस्थान के तमाम नेताओं को देखा है जो छुप जाते थे। जब गोली कहीं चलती थी तो 3 दिन उनका मोबाइल बंद रहता था और 2-3 दिन कहते थे कहीं और 3 दिन कर ली। मैंने आपको लड़ना सिखाया और लड़ना इसलिए सिखाया कि मेरे मन में इच्छा थी कि हमारी बड़ी संख्या है और सारे भाइयों को साथ ले ले तो कांग्रेस भाजपा की जो दादागिरी राजस्थान के अंदर इसको खत्म करे। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, वही गहलोत, वही पेपर, वही वसुंधरा, वही आरपीएससी, वही ललित मोदी, वही सात समंदर, वही वो गाना है ना, थाली थाली पानी पानी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ की 43 सीटें जो है नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, उनमें इस बार 43 में से 35 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले और दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर से तमाम जगह आप देख लो आंख उठा के। अलवर से अगर आप थोड़े से मजबूत हो गए और अपनी ताकत अगर पहचान ली और आपने तय कर लिया कि हमें सत्ता पे कब्जा करना है, कोई नहीं रोक पाएगा, सीधी 105 सीटें आपकी जाएगी। इतना विश्वास। अब लंबी बात नहीं कहूंगा, राजेंद्र जब मेरे पास शुरू से आया था, देखिए लोग तो मुझे कहते हैं जो बुजुर्ग नेता हमारे से वगैरह, हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ते हैं। अब आप बताओ मेरे को बिगाड़ा ही नहीं। अगर मैं बिगाड़ रहा तो कोई सुधार कौन रहा उसके तो ये हमारे जयपुर में जमीनों पर कब्जे करवा रहे हैं हमारे समाज वाले जो दारू का धंधा करते हैं, वो सुधार रहे हमारे समाज को? मैं ही सुधार रहा हूँ। मैंने इन बड़े बड़े घरानों को ठीक किया राजस्थान के अंदर, जो एक कुर्सी पे बैठते थे और लोग नीचे बैठते थे, उनका दिमाग ठीक किया और नेताओं को गली गली घुमाया और नेताओं को उनकी हैसियत दिखाई कि बिना जनता के आप कुछ भी नहीं हो। भाइयों क्रांति का आगाज अगर राजस्थान की राजनीति में किया और देश की राजनीति के अंदर अगर इस समाज का मान सम्मान बढ़ाया और किसानों का सम्मान किसी ने बढ़ाया तो नागौर के सांसद ने मोदी और अमित शाह को चुनौती दी कि हम उस कौम से आते हैं जो डरती नहीं है, जिसके इतिहास लिखे गए और दिल्ली ब्रिटिश कौम का कब्जा था। ये बात हनुमान बेनीवाल कह सकता है, बाकी किसी अपने घर पे अपनी लुगाई से तो कोई भी लड़ सकता है। लोग मैं भी लड़ाई लड़ी उसका परिणाम आप देखिए कि सत्ता छोड़ी सड़क पर है और इसी का परिणाम है कि आप लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। आप इतना जुनून आप लोगों के अंदर, इस जुनून को वोट में बदलना है। पिछली बार तो मैंने समाज की चिंता करी, दूसरे समाजों की चिंता करी, कैंडिडेट नहीं लड़े, 200 लड़ा था, 20 लाख वोट आते, 9 लाख कुछ बन गया, चिंता करी। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज के 10-15 MLA ज्यादा आ गए। फायदा क्या हुआ? मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, 15-20 मिनट ज्यादा तैयार हो गए, मेरे को सब मारने को लगे, मेरे को आप जानते हैं सारी बातें। लेकिन अब की बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चिंता राजस्थान की करेगी,
राजस्थान के जवान की करेगी, किसान की करेगी। इस भ्रष्टाचार भय और अपराध जो राजस्थान में बढ़ा इसको खत्म करने की चिंता करेगी। तैयारी कर लो, 6 महीने का 8 महीने का समय आपके बीच बचा है। रैलियां भी होगी, यात्राएं होगी, आंदोलन होंगे और संघर्ष भी होगा। कई तरह के लोग आएंगे, हरियाणा के ठग भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के ठग भी आएंगे, आपको बरगलाने का काम करेंगे। आपको एक ही काम करना है कि हमें राजस्थान में बदलाव करना है, और बदलाव करने का रास्ता हमारे किस भाई ने दिखाया जो सत्ता के करीब में लेके जाएगा, उसका साथ आपको देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। थोड़ा धैर्य रखो, हिम्मत रखो, इतना जोश भी मत रखो कि लाइट के तार उन तारों को यूं करते जाओ, पूरे पंडाल में करना फैल जाएगा। ये तो तेजाजी महाराज की कृपा है, इतने इतना होने के बावजूद भी ठीक है मामला था। थोड़ा जोश में होश रखो और मेरा भी ध्यान रखो। एक टांग उधर खींचे हो गया तो क्या करोगे? फिर बाद में पहले दिन कमर में दर्द हो गया था। तो भाइयों, सब लोगों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो, और ये तय करो। देखो बुजुर्ग जितने में नाराज हो जाते हैं, ये नए लड़के हमें आगे नहीं आने देते। आप एक काम करो, पीछे खड़े हो जाओ, उनको आगे आने दो। तुम्हारे वोट तो है, उनके वोट हो गए, लेकिन पूरे वोट नहीं। अब यह कोई बुजुर्ग नहीं, सारे जवान। कि जो वसुंधरा जी खुद कह रहे हैं जवान, उनके सारे सुने। राजेंद्र को जब मेरे पास आया था, मुझे लगा था कि राजेंद्र जरूर नेता बनेगा, और इसके अंदर बड़ी ललक थी कि भाई साहब मैं आऊंगा, वहां जाऊंगा, 50 लड़के लाऊंगा। फिर देखते देखते कितना सफल हो गए इलाके के अंदर। तो मेरे पास आने वाला तो मुझे लग रहा है आगे ही बढ़ा होगा, वो समाज सेवा ही कर रहा होगा, किसी न किसी काम में आगे होगा, पीछे कोई नहीं रहा। मेरे पास आने वाले दारू के ठेकों में सेल्समैन कब मिलेंगे मैं बता दूंगा। वो तो दूसरी जगहों पर काम होता था, जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग भी कम। हनुमान बेनीवाल के पास जो आएगा, साथ रहेगा, वो सेवा सीखेगा, वो समाज की सेवा करेगा, किसान की सेवा करेगा, और प्रदेश को देश की सेवा करेगा। भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ कि अंतिम लड़ाई हमें लड़नी है, और ये राजस्थान की अंतिम लड़ाई नहीं है, पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है। हरियाणा के अंदर हमारी सरकारें होती थी, चली गई आज से। यूपी हमारे हाथ में होता था, हमारे हाथ से चला गया, हमारे भाइयों के हाथ में आया यादवों के, उनसे भी छीन लिया, और दिल्ली हाथ में थी, चली गई। अब अगर उम्मीद है तो राजस्थान से, और राजस्थान में भी नकली लोगों पे भरोसा मत करना। असली व्यक्ति कौन है? जो ताकतवर है, जो सत्ता मारने के बाद इस कौम का, किसान का, राजस्थान का भला कर सकता है, इस बात का ध्यान आप रखना। आप बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, सारी बातें जानते हो, मेरी चिंता आप हमेशा करते हो, मुझे ध्यान है। और मैंने राजेंद्र को ये कहा था, इसने कहा भाई साहब शादी में आना ही है, मैंने कहा